सभी जानते हैं कि कैसे आपके प्रदेश के लोगों ने कड़ी मेहनत करके हर क्षेत्र में नाम रोशन किया। आपने कला साहित्य के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, दूध के उत्पादन में, कृषि में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, यानी हर क्षेत्र में अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में आपके राज्य का खास स्थान है और ये गर्व की बात है कि आज श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, जब 1978 में इंदिरा जी अपने ऊपर केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी तो चिकमंगलूर के लोगों ने उनका पूरा साथ दिया था। मैंने भी जब 24 साल पहले मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा तो मुझे भी बेल्लारी के लोगों का विश्वास और समर्थन मिला। हम सभी का फर्ज है कि इस अंधेरगति की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें। नफरत फैलाना की जिनका काम है उन्हीं के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। भाजपा सरकार की लूट झूठ अहंकार और नफरत ने जिस तरह का माहौल बना दिया है उससे मुक्ति पाए बिना न तो कर्नाटक तरक्की कर सकता है और न देश में प्रगति हो सकती है। इसलिए राहुल जी के साथ हजारों लाखों लोगों ने 4000 किलोमीटर की इस पदयात्रा में हिस्सा लिया था। आप देख रहे हैं कि इस यात्रा में भाजपा को इतनी घबराहट हुई कि वह हर तरह के दमन पर उतारू हो गई है। क्या आपको नहीं लगता है कि आज जो सत्ता में बैठे हैं डकैती दाल नहीं उनका धंधा हो गया है? 2018 में आपने इन्हें सत्ता तो नहीं सौंपी लेकिन इन्होंने डकैती डालकर सत्ता हथिया ली। इसके बाद उनके 40% सरकार आपका लूटने में लग गई। इनके नेता इतने गमन में आ गए हैं कि न किसी सवाल का जवाब देते हैं और न किसी चिट्ठी का। उन्हें संसत्ता की कोई परवाह नहीं। संवैधानिक संस्थाओं को वे अपने जेब में समझते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या किसी भी सरकार में इस तरह की मनमानी आपने कभी देखी थी? क्या देखी थी आपने पहले? क्या लोकतंत्र ऐसे चलता है? ऐसे चलता है लोकतंत्र? नहीं। आज हालत यह है कि ये खुलेआम धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर ये जीत नहीं होते तो कर्नाटक को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कहते हैं कि भाजपा हार गई तो यहाँ बहुत झगड़ा हो जाएंगे। मैं आपकी तरफ से इनसे कहना चाहती हूँ कि कर्नाटक के लोगों को इतना बेबस और लाचार मत समझे।
कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत और संकल्प पर भरोसा करते हैं। कर्नाटक के लोग डरपोक नहीं है, लालची नहीं है कि आप उन्हें फुसला दें। कर्नाटक के लोग 10 मई को आपको बताएंगे कि वे किस मिट्टी से बने हैं। बहनों और भाइयों, आज इन्हें ये बताने का मौका आ गया है कि लाखों किसानों और दूध उत्पादकों के हित की अनदेखी करके नंदिनी जैसी अच्छी संस्था पर डकैती डालने का इनका षड्यंत्र यहाँ कामयाब होने वाली नहीं है। आज इन्हें ये बताने का समय आ गया है कि नेताओं का भाग्य जनता के आशीर्वाद से तय होता है। जनता का भाग्य किसी नेता के आशीर्वाद पर निर्भर नहीं होता। जनता तो अपनी किस्मत के फैसले खुद लेती है। कर्नाटक तो वैसे भी भगवान बसवन्ना की पवित्र भूमि है, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी को बराबरी के अवसर देने का संदेश दिया। यह महान कवि कुवेंपु की धरती है, जिनकी भावनाओं का अपमान भाजपा हर रोज कर रही है। मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि देश के इतिहास और कर्नाटक में सामाजिक न्याय की सदियों पुरानी परंपरा से खिलवाड़ मत करिए। खुद के राजनीतिक स्वार्थ पूरे करने के लिए कर्नाटक और देश को तबाही के रास्ते पर ना ले जाइए। पिछले 3.5 साल में कर्नाटक को जिन परिस्थितियों में पहुंचाया गया है वह आपके सामने हैं। इस बदहाली को दूर करने की शपथ आज आपको लेनी है। आप ही बताइए कि आप किस पर भरोसा करेंगे, चंद लोगों के फायदा पहुंचाने वालों या फिर सभी के उत्थान के लिए संघर्ष करने वालों पर? लूटपाट और कमीशनखोरी से मुक्त कर्नाटक के विकास के लिए आप किस पर भरोसा करेंगे? सामाजिक न्याय और सद्भाव की परंपरा को कायम रखने के लिए आप किस पर भरोसा करेंगे? ये सब का जवाब है, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, किस पर भरोसा करेंगे आप? कांग्रेस पार्टी, पांच साल पहले कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने वादे पूरे करने के लिए खूब संघर्ष किया था। आज कांग्रेस की सरकारें राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल में अपना एक एक वादा पूरा कर रही हैं। हमारे सभी नेताओं ने, आपके यहाँ के सभी नेताओं ने आपको बहुत विस्तार से बताया है कि कर्नाटक में सरकार बनने के बाद कांग्रेस क्या क्या करेगी, इसीलिए मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूँगी। आपको सिर्फ यह भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि कांग्रेस हर हाल में आपका विश्वास कायम रखेगी और आपसे किए गए एक एक वादे, चाहे वह
ग्रह लक्ष्मी हो या युवनिधि हो, चाहे अन्नभाग्य हो, सभी को दिलोजान से पूरा करेगी। मेरा कर्नाटक के सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि कर्नाटक को भाजपा की लूट से बचाने के लिए, कर्नाटक की लूट से बचाने के लिए इस 10 मई को कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को अपना एक एक वोट देकर भारी बहुमत से जिताए और ईमानदार प्रगति की गारंटी देने वाली सरकार बनाकर अपना भविष्य उज्जवल बनाए। अंत में मैं एक बार फिर यहाँ इस रैली में आने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटका।